स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ब्रह्म विद्या विहंगम योग समारोह का आज द्वितीय दिवस है, समापन दिवस है। कल की आध्यात्मिक यात्रा में हमने ब्रह्म विद्या के विभिन्न भेदों के संबंध में स्वर वेद के माध्यम से व्यापक विचार विमर्श किया है और आज पुनः इसी ब्रह्म विद्या की योग यात्रा के साथ, इस ब्रह्म विद्या की ज्ञान गंगा के साथ, इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग के दिव्य विमल ज्ञान के साथ, स्वर वेद के साथ हम अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। तो जिस प्रकार परमात्मा की सत्ता नित्य अनादि सत्ता है, उसी प्रकार एक सत्ता आत्मा की है, वह भी नित्य अनादि सत्ता है। प्रकृति भी नित्य अनादि सत्ता है। अक्षर ब्रह्म एक चेतन नित्य सत्ता है। सद्गुरु भी एक नित्य चेतन सत्ता है और काल की भी एक सत्ता है जो नित्य अनादि सत्ता है। जो सत्ता जड़ और चेतन से रहित सत्ता है। तो स्वर वेद कहता है, विहंगम योग कहता है कि ये जो छह पदार्थ हैं वे नित्य अनादि पदार्थ होते हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता। परमात्मा, आत्मा, अक्षर ब्रह्म, सद्गुरु, प्रकृति और काल की सत्ता, ये छह सत्ताएं हैं जिनका नाश नहीं होता। जो सत्ताएं नित्य हैं, प्रकृति जड़ है और काल की जो सत्ता है वह जड़ और चेतन से रहित सत्ता है। ईश्वर चेतन है, आत्मा चेतन है, सद्गुरु चेतन है और अक्षर ब्रह्म की जो सत्ता है वह चेतन सत्ता है। प्रकृति का केवल अस्तित्व है। यह जो प्रकृति है इसका केवल अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है और चेतना है। हमारे पास अस्तित्व है और चेतना है। आत्मा अस्तित्व से युक्त है, इच्छा ज्ञान और प्रयत्न से युक्त है। ये चेतन स्वाभाविक धर्म है। आत्मा के
ये तीन चेतन स्वाभाविक धर्म हैं, जिन धर्मों को हम इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न के नाम से जानते हैं। अब आत्मा का संयोग प्रकृति से है, ये जड़ और चेतन का संयोग है ना, तो सुख दुख और द्वेष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि प्रकृति का संयोग है। हमारा ये शरीर पार्थिव शरीर है, हाँ, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के संयोग से ये हमारा आपका शरीर बना है। शरीर का जो मुख्य बाहरी और भीतरी भाग है वह पृथ्वी तत्वों का बना है। ये जो हमारा आपका शरीर है इसका मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का बना है, ये पृथ्वी से निर्मित हुआ है। हम कहते हैं ना कि मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में मिल जाती है, पार्थिव शरीर है, पंचत्वम गतः। तो इस शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों से बना है। अग्नि तत्वों का हमारे आपके शरीर में विशेष कार्य है, जीवन के अनुकूल ऊष्मा और पाचन संस्थान का नियंत्रण ये किसके द्वारा होता है, ये अग्नि तत्व का काम है। हाँ, ये अग्नि का काम है। हमारे भीतर भी अग्नि है जिसके द्वारा हमें जीवन के अनुकूल ऊष्मा प्राप्त हो रही है और पाचन संस्थान का ये पूरा नियंत्रण हो रहा है। वायु तत्व है हमारे आपके शरीर के भीतर, वायु तत्वों का कितना बड़ा योगदान है, पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में ये वायु स्थित है, जिससे प्राणों का प्रवाह है हमारे आपके शरीर में। तो ये वायु का काम है, ये वायु तत्व का काम है। पांच प्रकार के प्राण और पांच प्रकार के उपप्राण हमारे आपके शरीर को चला रहे हैं। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से निर्मित हुए हैं। जल तत्वों का इस शरीर में अपना एक विशेष योगदान है, जिसके माध्यम से शरीर में सर्वत्र संप्रेषण की क्रियाएं हो रही हैं। ये शरीर बड़ा अद्भुत है, ये शरीर ईश्वर का महान प्रसाद है, ये जीवन बड़ा ही उत्कृष्ट जीवन है। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगति पतिः तस्य तत्त्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। ये जीवन बड़ा ही उत्कृष्ट जीवन है, ये सर्वोत्कृष्ट जीवन है। मानव का जीवन ईश्वर का अनंत प्रसाद है। तो पंच ज्ञान की इंद्रियां हैं हमारे पास और पंच कर्म की इंद्रियां हैं हमारे आपके शरीर में। पंच ज्ञान की इंद्रियां हैं और
पंच कर्म की इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और कर्मों का संपादन करते हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो श्रोत्र के द्वारा, चक्षु के द्वारा, रसना के द्वारा, त्वचा के द्वारा, ये ज्ञान का अनुभव व्यक्ति करता है। वैसे ही कर्म की इंद्रियां हैं, हाथ पैर गुदा लिंग और वाणी, जिनके द्वारा हम कर्मों का संपादन करते हैं। तो ये ज्ञान और कर्म का समन्वय है, ज्ञान और कर्म का समन्वय हमारे आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है और इस संपूर्ण विश्व में काम कर रहा है। ज्ञान और कर्म, ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां, ये बड़ा अद्भुत संयोग है। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कार्य में संलग्न हो जाती हैं। इसीलिए ज्ञान इंद्रियों का संयम नियंत्रण आवश्यक है, जिससे कर्मेंद्रियां सदैव श्रेष्ठ कार्यों में श्रेष्ठता और पवित्रता की तरफ संलग्न हो। तो ये आत्मा के बाह्य करण है, ये बाहरी करण है। हाँ, जो 10 इंद्रियां हैं, ये आत्मा के बाह्य करण है, आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए ये करण है। और एक सूक्ष्म करण है, हाँ, एक आंतरिक करण है, एक अंतःकरण है, जिसे हम मन बुद्धि चित्त और अहंकार कहते हैं। ये आत्मा के आंतरिक करण है, ये सूक्ष्म करण है, ये भीतरी करण है, जिनको हम अंतःकरण के नाम से जानते हैं, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, जिसमें अनंत शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां हैं। इन अंतःकरणों के पास ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये बड़ी सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो शक्तियां अंतःकरण के पास है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के पास है। मन में अपूर्व शक्ति है, हमारे आपके मन में बड़ी अपूर्व शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। इस मन के द्वारा अनेक प्रकार के अद्भुत कार्य मानव संपादित करता है। इस मन की शक्ति का नियंत्रण कर, संयमित कर, क्योंकि मन से ही संकल्प होते हैं। हमारे आपके मन में संकल्पों की शक्ति है, संकल्प प्रारंभ में मन से ही उत्पन्न होते हैं और विकल्प भी हो जाते हैं, विकल्प भी हो जाता है ना। मनः संकल्प विकल्पात्मकम्, ये हमारा आपका जो मन है वह संकल्प विकल्पात्मक है। संकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं। मन में बड़ी अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, हमारे आपके मन में
असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति है, और उस मन को नियंत्रित और संयमित कर एक व्यक्ति अनेक प्रकार की उन्नतियों को प्राप्त करता है। वैसे ही बुद्धि तत्व है जिसका कार्य है विवेचन करना, निर्णय करना। ये बुद्धि तत्व का कार्य है, जिसके पास निर्णय और विवेचन की शक्ति है। ये जड़ शक्ति है, लेकिन आत्मा आत्मा की शक्ति के माध्यम से ये सारे अपना काम करते रहते हैं। इस शरीर में आत्मा आत्मा की शक्ति को सबसे पहले पता है कौन लेता है? मन लेता है। आत्मा की शक्ति मन के पास आती है, मन से ये शक्ति पहुंचती है इंद्रियों के पास, क्योंकि इंद्रियों का जो स्वामी है, इंद्रियों का जो नेता है, उसे मन कहते हैं। आत्मा की शक्ति मन के पास, मन की शक्ति इंद्रियों के पास, और इंद्रियों के उनके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जिसका अनुभव व्यक्ति करता है, जिससे संसार का ज्ञान प्राप्त होता है, संसार का बोध प्राप्त होता है, बाहर का क्या मामला है इसका अनुभव प्राप्त होता है। जब आत्मा की शक्ति का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से होता है, तब संसार क्या है इसका हमें आपको बोध होता है, ज्ञान होता है। तो ये ऐसा सिस्टम है, ऐसी प्रक्रिया है। सदगुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्म रंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सदगुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 09956118770, 05322567204, 05322097448।